नयन तरसते दर्शन को दिन रात। हे प्रभु महिमा तेरी अपरंपार। हो नयन तरसते दर्शन को दिन रात। हे प्रभु तेरी महिमा अपरंपार। निर्विकारी तो वीतरागी तो समविसरण भगवान तो केवल नंद प्रकाश तो आदि जी नंदा दर्शन दो, दर्शन दो हमें दर्शन दो नाभि नंदन। आजी आइएगा, समवसरण उद्घाटन करना है। कहाँ से बोली प्रारंभ करेंगे मेरे भाई? सम अवसरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। हे सम अवसरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। सम अवसरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे। सम अवसरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। सम अवसरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। कितना पावन अवसर आया ज्ञान कल्याण के सबने मनाया। कितना पावन अवसर आया ज्ञान कल्याण को। ओम ओम जब इस महान वर्तमान काल के बोध उत्सव करो प्रमाद सर्व टाल के। ओम ने केवल ज्ञान प्राप्त जन जन ब्रह्म फलम निर्भवामति। तो ये गंध अक्षतम सुपुष्ट चारु धरे दीप धूप फल मिलाए अर्घ दे सुख करे। नाथ जब इस महान वर्तमान काल के बोध उत्सव करो प्रमाद सर्व टाल के। ओम ने केवल ज्ञान प्राप्त चतुर्म जन ब्रह्म हरिगम निर्भवामति। एकादश फागुन वद की मरु देवी माता जी चलेगा आरती के साथ में। हाँ खड़े हो जाए सभी लोग। आइए सभी खड़े हो जाते हैं, यहाँ पर समोषण की आरती हो रही है। श्री समवसरण की आरती ओ तारों में लेके। 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 ओ तारों में लेके छवि निहारों में लेके। ओ तारों में लेके छवि निहारों में लेके। श्री समवसरण की आरती ओ तारों में लेके। श्री समवसरण की आरती ओ तारों लेके। चतुर्मुखी भगवान विराजे सिर पर प्रभु के छत्र है साजे। चतुर्मुखी भगवान विराजे सिर पर प्रभु के छत्र है साजे। ओ निहारों में लेके छवि निहारों में लेके। निहारों में लेके छवि निहारों में लेके। श्री समवसरण की आरती अवतारों में लेके। श्री समवसरण की आरती अवतारों में लेके। जय ऋषभनाथ जी जय ऋषभनाथ ज्ञान के सागरा गातिया गात कर। धन्य तो नाथ जी सर्व साधो नमे तो ही को नाथ जी। दर्श तेरा करे ताप मिट जाते हैं मर्म भाजे सभी ताप हट जाते हैं। धन्य पुरुषार्थ तेरा महा अद्भुतम मोह सा शत्रु मारा तिगाती हतम। जीत त्रैलोक सर्वदर्शी भये कर्म से नाहती दर्ग चेतन ले। आप सत्य तीत तय रत्न से निर्मिता भवले वेशरण होए भवे भवरिता। वे कुशल से तेरे संस्कृति सागरा जाए उरद लहे सिद्ध सुंदर धरा। ये समाव शरण भवि जीव सुख पाते हैं वाणी। जीन तच्छम विवुच्छिच्छ जीन चित्तम निरुच्छदि जीन अत्ता विवुच्छिच्छ तम नानम। जिन शिष्ट है जो उत्तम सुख शांति और निर्वाण का कारण बने। ज्ञान
वही श्रेष्ठ है जो परोपकार के साथ हो, ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो सत्य अहिंसा के साथ हो, ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो शील स्वभाव के साथ हो। ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो रत्नत्रय के साथ हो, ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो निर्वाण का हेतु बने। शाब्दिक ज्ञान भिन्न है, पुराणों का ज्ञान भिन्न है, लेकिन जो ज्ञान निर्वाण में सहायक बने, जो ज्ञान सुख में साधक बने, जो ज्ञान परोपकार में साधक बने और जो ज्ञान स्वयं के उपकार में साधन बने, वही ज्ञान वही ज्ञान वही ज्ञान जिन शासन में ज्ञान संज्ञा को प्राप्त है। मनीष्यो हे भव आत्माओं, तीर्थंकर भगवंत की ओंकारमयी वाणी में यह वस्तु स्वभाव का उपदेश दिया गया है। तीर्थंकर प्रभु ने साधवाद अनेकांतमयी द्वैत संग वाणी का उपदेश दिया, जिससे भव प्राणी आत्मकल्याण के मार्ग पर चल करके अपना हित कर सकें, वैराग्य का वर्धन कर सकें, अपना आत्म कल्याण कर सकें, जीवों पर करुणा करें, जियो और जीने दो, ये तीर्थंकर भगवान ने जीवों को उपदेश दिया है। अभी विश्व में ये विद्या का अनुसंधान चल रहा है, इस प्रकार से तीर्थंकर प्रभु की देशना जन जन को प्रदान हुई है। ओम।